Today I wore a pair of faded old jeans and a plain grey t-shirt. I put on makeup. I didn't even put on makeup or take a shower. I put on a faded old jacket even though it's warm outside. I have made conscious decisions to look less than what a man would like to see. I want to disappear. This statement by a woman shows how desolate and hopeless they feel in our society, searching for validation in the form of her parents, loved ones, and even strangers. She feels that her own self-worth lies in the approval of others. Such is the power of the spoken word, capable of making you or destroying you forever. The cadets of VRI present before you a skit on the crimes faced by women in our society. Before we begin, I request the audience to refrain from any whistling or applause during the course of the play. Thank you. ठीक है पिताजी।
अच्छा लड़की होगी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, पर पिताजी तो चाहते थे लड़का हो। अब जो भगवान की मर्जी। परेशानी आ गई है। अब कैसी परेशानी डॉक्टर साहब? वो एबॉर्शन के कारण अनु कभी मां नहीं बन सकती। क्या ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? ऐसा कैसे हो सकता है? वो एबॉर्शन के समय कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। राजेश ये क्या हुआ? राजेश तुम कुछ नहीं हुआ पिताजी? राजेश आप मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। ये चाहते थे ना बच्ची के बाद मर गई बच्ची, लेकिन आपको पता है अनु फिर कभी मारी बन पाएगी पिताजी? यही बोला है तो डॉक्टर साहब का Thank you.
बहू थी, दादा को एक पोता ना दे सकी। क्या एक दादा को अपना वंश आगे बढ़ाने का आदमी है दादू साहब? बिल्कुल है। लीजिए दूसरी खबर भी सुन लीजिए। प्यार में हमारे आशिक ने लड़की के ऊपर फेंका तेजा। ओ अब ये कैसे हुआ दादू साहब? हुआ कुछ ऐसे के आज तो बहुत ही खास दिन है। आज मैं अंजलि से अपने घर की बात कह ही दूंगा। हेलो। हाँ संजय बोलो। वो अंजलि मुझे तुमसे कल मिलना था। पर मिलना क्यों है? वो मैं तुमको मिलने के बाद ही बताऊंगा। पर बात क्या है बताओ तो सही। अरे मैं कह रहा हूँ ना मिलने के बाद बता दूंगा। चलो ठीक है कल मिलते हैं बाय। हाँ संजय बोलो अब क्या बात करनी है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ। अरे बोलो ना क्या बात है? अंजलि मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? गलत क्या है अंजलि? संजय मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी। लेकिन संजय मैं तो तुम्हें सिर्फ एक सच्चा दोस्त मानती थी और वैसे भी मेरी शादी कहीं और तय हो चुकी है और मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या कह रही हो तुम? आज क्या हो गया तुम्हें? संजय संजय नहीं हो सकता, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, मत करो ऐसे। अंजलि
हाँ कह देती तो क्या हो जाता। चौधरी साहब आजकल की लड़कियों का पहले से कितनी बड़ी बातें करके लड़का निकालेंगे फिर होना ही है। वो छोड़िए चौधरी साहब, अगली पर गौर कीजिए। पिक्चर देखने गई लड़की हुई बलात्कार की शिकार। अरे अब जरा ये खबर भी पढ़ दीजिए। तो सुनिए, आज मेरा ट्यूशन था ही नहीं, मैं तो यहाँ गलती से आ गई। अच्छा सुनो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चली जाऊं? हाँ हाँ, मैं घर पे टाइम से आ जाऊंगी। बाय। मूवी देखने जा रही हो? टिकट हम करा दे, बीच में तुम बैठ जाना, साथ में हम बैठ जाएंगे, तीन घंटे पिक्चर का मजा ले। अरे कहाँ जा रही, शक्ल तो दिखा दे एक बार, नहीं नाम तो बता दो। तकलीफ है कुछ? आराम से बात करते, दिक्कत है तो बता दो यार। कांटे लगेगा हमें? हाँ कांटे लगे, चुमके देख लो। अरे अरे डर रही है भाई, डर रही है। पुलिस को बोला होगी? पुलिस को बुलाएगी, पुलिस को बुलाएगी। बताओ तो भाई जरा, पुलिस को बुलाएगी ये? और ये दो बार से ज्यादा भाई, दो बार जिसका याद हुई है। अरे भाई दिखा रहे हैं इसको। हम इतने कायर बन चुके हैं कि एक लड़की की ना नहीं सुन सकते, और अगर
किसी ने ना बोल भी दिया तो उसकी जिंदगी को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। अरे जरा सोचिए उस जगत के बारे में जो उस बेचारी के चेहरे को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी को उसके सपनों को रोज चलाती है, और इन जैसे लोग उस जगत पर तेल डालने का काम बहुत बेखूबी से करते हैं। कहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, पर क्या हमारी सोच ने तरक्की की? और अगर सच बात हां तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी ऐसा क्यों है कि कई घरों में लड़कियों का पालन सौभाग्य नहीं मजबूरी माना जाता है? क्या है किसी के पास कोई जवाब? इन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि क्या होता अगर इनकी मां को भी किसी ने पेट में ही मरवा दिया होता? मेरे दोस्तों, दूसरे की बेटी पे जान देने में और अपनी बेटी की जान लेने में इससे बड़ा गुमान है मेरे दोस्तों, ये आज का इंसान है। अब लड़की अपने आप को बहुत बड़ा स्टड कूल बॉय डूड कहते हैं ना, तो बताइए क्या एक लड़की की इज्जत लूटना, उसकी आबरू को इस तरह से तहस नहस कर देना कि वो किसी से नजर ना मिला पाए, क्या ये मर्दानगी है? बताइए। और इन लोगों से पूछो तो कहते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे। लड़की 25 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, छोटे कपड़े पहने होंगे। अरे 6 साल की ज़ैनब जब उसके कपड़े उतार के उसका बलात्कार करके उसकी लाश को कूड़ेदान में डाल दिया गया। अरे मैं पूछता हूं ऐसे कौन से छोटे कपड़े पहन के नन्ही सी जान ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो जो ये सब हुआ? अरे दुख होता है मुझे सोच के, क्या बीती होगी इस माँ बाप के सीने पे जिसने अपनी बेटी की लाश को कूड़ेदान से उठाया होगा। मेरे जहन में कई सवाल गूंजते हैं कि ऐसा क्यों है कि इंदिरा गांधी जैसी औरत की मिसाल देते हैं और अपनी बेटी को पेट में मारते हैं? ऐसा क्यों है कि जिन बच्चे को कंजकों में पूछते हैं उन्हीं का बलात्कार कर देते हैं? ऐसा क्यों है कि माँ दुर्गा का श्रृंगार करते हैं और किसी औरत के श्रृंगार पर तेजाब फेंकते हैं? और इन जैसे लोग कहते हैं कि देश बदलेंगे। अरे तुम बदलोगे देश? अरे देश तो उस दिन बदलेगा जिस दिन एक औरत अपने घर में अकेले सुरक्षित सो पाएगी। देश तो उस दिन बदलेगा जिस दिन एक लड़की सुरक्षित बेफिक्र एक अंधेरी गली से गुजर पाएगी। अरे देश तो उस दिन बदलेगा जिस दिन एक लड़की में हाथ बांधने से पहले 100 बार सोचेगा। देश तो उस दिन बदलेगा जिस दिन एक बाप अपनी बेटी को गोद में लेके फक्र महसूस करेगा शर्मिंदगी नहीं। और देश तो उस दिन बदलेगा जिस दिन हम देश नहीं अपनी सो